अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हैं हम उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में, जो इलाहाबाद शहर अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इस वक्त हैं हम प्रयागराज के स्टेशन यानी इलाहाबाद स्टेशन पर। पहले हम तस्वीर दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्टेशन की सीधी तस्वीर। आपको बता दें ये प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जो एंट्री की गेट है उसकी तस्वीर है। ये एंट्री है और ये एग्ज़िट है। और हम आपको बता दें कि प्रयागराज स्टेशन से अगर आप बाहर निकलते हैं तो जैसे ही ये निकास गेट है, निकास गेट से आप जैसे ही निकलते हैं बाहर, निकलने के बाद दो रास्ते हैं। एक जो है दाएं तरफ जाता है और एक ठीक बाएं तरफ जाता है। ये रास्ता बाएं तरफ जो जॉनसनगंज और जीटी रोड के तरफ निकल जाता है, और एक रास्ता ये दाएं तरफ जाता है जो शहर के तरफ लेके जाता है। और हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसी दरगाह पर जो बहुत मशहूर है, सैयद मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर लेके चलेंगे सीधा आपको, और वहाँ की पूरी तस्वीर दिखाएंगे। चूँकि जुमरात का दिन है और ज़्यादातर ज़ायरीन उस दरगाह पर जुमरात को ही आते हैं, तो आइए चलते हैं आपको दीदार कराने के लिए। तो ये वही रास्ता है जो हम आपको बता रहे हैं दरगाह शरीफ जाने का, कि जैसे ही आप इलाहाबाद स्टेशन से दाएं तरफ निकलेंगे तो ये निकासी है इस गेट की, और इधर से एग्ज़िट करते हैं। बहुत करीब रास्ता है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत करीब रास्ता है, जाने का बहुत इजी है। 10 रुपये मात्र ई रिक्शे वाले लेते हैं, ऑटो वाले टेम्पो वाले लेते हैं। इधर से रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, तो इसलिए घूम के आने का है रास्ता। यहाँ से आप राइट हैंड टर्न लेंगे चौराहे से, चौराहे से राइट हैंड टर्न लेंगे। ये चौराहा है, बेसिकली ये मस्जिद है स्टेशन की, और ये स्टेशन का सबसे बड़ा चौराहा है जो हमारे इलाहाबाद स्टेशन का चौराहा कहा जाता है। ये वही स्टेशन का चौराहा है जो सीधा दरगाह शरीफ के लिए जो ज़ियारीन ज़ियारत करने के लिए जाते हैं उनको वो दरगाह शरीफ का रास्ता बहुत आसान और 5 मिनट का रास्ता है जो वहाँ तक पहुँचाता है। चलते हैं अब सीधा। ये जिस गेट से निकले थे वो गेट है। और आपको बताते चलें कि इलाहाबाद का सबसे मशहूर जो चीज़ों में है वो है खुशरू बाग। खुशरू बाग एक ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, एक पर्यटन स्थल कहा जाए, और जो अमीर खुसरो के द्वारा बनाया गया था, ये वही पर्यटन स्थल है जिस अमीर खुसरो द्वारा बनाया गया था। ये इसका मेन गेट है, खुशरू बाग प्रयागराज मेन गेट। लोग यहाँ सुबह से शाम तक आते हैं, लगातार जो लोग यहाँ पास आते हैं, अंदर बहुत से पेड़ हैं, बाग हैं और टहलने के, और जो ये अंदर अमीर खुसरो का जो महल है वो भी अंदर बहुत मेंटेन है और उसको खूब सजा कर रखा गया है। लोग आते हैं यहाँ पास घूमने टहलने, एंजॉय, और एक तरीके से पिकनिक मनाने के लिए। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो रास्ता है ये सीधा दरगाह शरीफ के लिए जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, और ये तकरीबन स्टेशन से दाएं हाथ 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर ये एक डीएसए पुल का चौराहा है जहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। बस लेफ्ट लेने के बाद आप सीधा तकरीबन 200 मीटर चलेंगे।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रयागराज स्टेशन से राइट हैंड टर्न होना है आपको, और तकरीबन 500 मीटर चलना है, 400 मीटर उसके बाद फिर से लेफ्ट होना है, और लेफ्ट होने के बाद ये वही चौराहा है जिस चौराहे की हम बात कर रहे हैं जो दरगाह शरीफ ज़ियारीन करने के लिए लोग जाते हैं, जो ज़ियारत करने के लिए जाते हैं। यहाँ से राइट हैंड लेना है, सामने एक मज़ार है, आप देख सकते हैं ये चौराहा है, चौराहे से राइट हैंड लेना है। मुश्किल से 50 कदम की दूरी पर आपको दरगाह शरीफ ज़ियारत हो जाएगी। सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद बरकतुल्ला खान कादरी मुनव्वरी, इस मस्जिद के मुतवल्ली खतीब व इमाम मस्जिद मुनव्वरी, और ये मस्जिद मुनव्वरी मुनव्वर अली शाह के नाम से है। हमारे आबा और अजदाद इसको देखते रहे, अब उनके दर पे हम देखते आ रहे। मेरे वालिद मोहतरम ने 55 साल यहाँ खिदमत किया, सन 2001 उनका इंतकाल हुआ, इसी दरगाह कैंपस में उनकी मज़ार भी है। अब रही बात जिस बारगाह में हम और आप बैठे हैं, ये बारगाह मदर ओसे आदम शेखुल आलम शहनशाह आबाद हुजूर सैयद सरकार मुनव्वर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला के नाम से है। सरकार मुनव्वर शाह रज़ी अल्लाह तआला सैयदना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला के परपोते, ये बगदाद शरीफ से आए हैं। इनकी पैदाइश 11 रमज़ान और 491 हिजरी पैदाइश है, और इनका विसाल 4 जमातियों सानी 1199 हिजरी विसाल है। हर साल 3-4 जमातियों सानी को सरकार मुनव्वर शाह रज़ी अल्लाह तआला का उर्से पाक होता है। ये हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में 22 साल मौजूद रहे, गौस पाक की खिदमत करते रहे, और हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला ने आपको 6.5 कतरा पानी वज़ू का बचा हुआ अता फरमाया था, और कहा था हर कतरे में 100 बरस का आब हयात है। हुजूर मुनव्वर अली शाह ने जब उसको पिया तो हुजूर गौसे आदम की दुआओं से, अल्लाह के फ़ज़ल करम से आपकी उम्र पाक 650 बरस बढ़ गई। इस तरह मुनव्वर अली शाह की उम्र पाक 491 हिजरी पैदाइश 1199 हिजरी विसाल के हिसाब से आपकी उम्र 708 साल हुई। और जब आप यहाँ पर आए थे तो ये पूरा जंगल था, और 6 महीना बाढ़ रही थी, 6 महीना सूखा रही था। जो अपने अकाबरीन बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे, उनके कहने के मुताबिक जब मुनव्वर अली शाह की बारगाह में लोगों ने आके दुआ कराया तो आपने फरमाया अल्लाह आबाद कर। इस तरीके से आपकी ज़बान से ये बात निकली कि अल्लाह आबाद हो गया, और अल्लाह आबाद लोग कहने लगे। और यहाँ पर 3 बुजुर्ग की मदार है, शेखुल आलम मुनव्वर शाह, और उनके दाएं साइड जस्ट शेखुल आलम मुनव्वर शाह के साथ बगदाद शरीफ से आए थे, उनका नाम अब्दुल गफूर शाह अब्दाली रहमतुल्लाह अलैह, और इधर पश्चिम साइड मदार है तो गुलाम अब्दुल कादिर शाह नाम है उनका, वो राजा बनारस के लड़के थे, हुजूर शेखुल आलम मुनव्वर शाह के दस्त मुबारक पे वो ईमान लाए थे। इस तरह सरकार मुनव्वर शाह रज़ी अल्लाह तआला वारज़ाहुन्ना कि उम्र पाक के हवाले से भी कहा जाता है कि आप 708 बरस जो हयात में रहे, पूरी ज़िंदगी आपने अल्लाह के लिए वक्फ कर रखा था, और पूरी ज़िंदगी आपने खिदमत खल्क लोगों की खिदमत किया, और लोगों को अल्लाह की तरफ सीधे रास्ते की तरफ बुलाया। कल आप लोगों को ये तालीम देते रहे कि लोगों पर जुल्म ना करो, और लोगों को नाफरमानी से बचो, और जो है अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पे अमल करो, सीधे रास्ते की आप तालीम देते रहे। और इस तरह शेखुल आलम मुनव्वर शाह रज़ी अल्लाह तआला की खसूसियत में ये भी बात आती है कि
कि जब आप वहाँ से चले थे बगदाद मुअल्ला से, तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में शाह कबीरुद्दीन गिला गुजराती थे, तो शाह कबीरुद्दीन गिला गुजराती ने अपनी खिलाफत जब मुनव्वर अली शाह को दिया, तो हुज़ूर मुनव्वर अली शाह रज़ी अल्लाह तआला ने अनु को जब देने लगे तो कहा था साबिर कंजरी का ज़माना आएगा, तो साबिर पाक का जब ज़माना आए तो सिलसिला कादरिया की जो खिलाफत आपको हम दे रहे हैं वो साबिर पाक को पहुँचा देना। इस तरह हुज़ूर मुनव्वर शाह रज़ी अल्लाह तआला साबिर पाक के मुर्शिद इजाज़त भी हैं, सिलसिला कादरी खिलाफत साबिर पाक को मुनव्वर शाह ने अता फरमाई। और हुज़ूर शेखुल आलम मुनव्वर अली शाह के सामने बड़े बड़े औलिया इकराम हुज़ूर ख्वाजा गई नवाज, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदगंज शकर, ख्वाजा मखदूम अशरफ कचौचवी, यानी बड़े बड़े जिनके आरास यानी उर्स होते हैं और इनके सिलसिले चलते हैं, तो इनके सामने पैदा हुए, बड़े हुए, बूढ़े हुए, इनका विसाल हो गया, मुनव्वर अली शाह उसी तरह हयात में रहे। इस तरह आप बहुत ही जो है तरबियत याफ्ता गौसे आदम के बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग हैं, इनकी बारगाह में जो भी आता है वो फैज़ पाता है, अपनी दिली मुराद लेकर जो भी आता है इनकी बारगाह से उसकी मुराद पूरी होती है। किसी पर आसेब होते हैं, जादू होते हैं, जिन्नात होते हैं, इसकी से कैसे भी मामलात होते हैं, तो हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला का जो फैज़ यहाँ पर बरस रहा है, तो इनकी दुआओं पे इनकी बारगाह में हाजिर होने वाले जब दुआएं करते हैं तो उन पर आसेब जादू जिन्नात जो होते हैं रब ताला उनको शिफा अता फरमा देता है। अब हुज़ूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला का जो सिलसिला है, उन्होंने अपनी खिलाफत शाह कबीरुद्दीन दौला गुजराती को दिया, शाह कबीरुद्दीन दौला गुजराती ने हुज़ूर मुनव्वर अली शाह को खिलाफत दिया, और एक रिवायत के हिसाब से गौस पाक ने डायरेक्ट मुनव्वर शाह को खलीफा बनाया, और हुज़ूर मुनव्वर शाह ने अपना खलीफा अब्दुल करीम मुल्ला फ़कीर अखवन शाह रामपुरी को बनाया। उनके कई खलीफा हुए, एक मुल्ला दरिया खां रामपुरी, तो मुल्ला दरिया खां रामपुरी अब्दुल करीम शाह के खलीफा हुए, और अब्दुल करीम मुल्ला दरिया खां रामपुरी खलीफा शेख गुलाम हुसैन हुए, वो उनके खलीफा मोहम्मद महमूद हुए, उनके खलीफा हाफिज आरिफ हुसैन मुरादाबादी हुए, उनके खलीफा जो है बुल हुसैन अहमद नूरी महरैरी हुए, उनके खलीफा आला हजरत फाजिल बरेलवी हुए, उनके खलीफा हुजूर हामिद रज़ा, उनके खलीफा सरकार मुजाहिद मिल्लत, और उनके खलीफा सैयद मकबूल साहब हबीबी, और उनके खलीफा ये नाजीस मुफ्ती बरकतुल्ला नाजीस बैठा हुआ है, ये हजरत को उन्हें इस नाजीस को खिलाफत सिलसिला मुनव्वरी की अता फरमाया था। इस तरह ये सरकार मुनव्वर शाह रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह का ये थोड़े से मुख्तसर हालात थे जो हमने आपकी बारगाह में पेश किया। रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है आने वाले को जो भी इनकी बारगाह में आए इनसे मोहब्बत करें, इनसे अकीदत रखें, इनके सिलसिले में दाखिल हो, सबको दीन दुनिया की भलाइयाँ अता फरमाएँ, इनके सिलसिले खुज़ो बरकात से माला माल फरमाएँ।